जय हिंद दोस्तों, टोटल धमाल इडियट सम रोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहाड़ पर चढ़ रहे इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद आपका होश उड़ जाएंगे। इस गाड़ी के साथ जो हुआ वो आपकी इमेजिन से भी परे था। और साथ ही साथ इस बंदे को देखिए, आज इसकी हीरोपंती इसको यमराज के दर्शन करने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना, इससे भी बड़े बेवकूफ आपसे मिलने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप रोड से जा रहे हो और रोड पर बहुत सारा पानी बेकाबू होकर बह रहा हो तो उस जगह से, उस रोड से निकलने की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना, जैसे कि इस बंदे ने किया। जी हाँ, लगता है कि शायद इस बंदे के अंदर हीरोपंती हद से ज़्यादा ही उछल रहा था। इसलिए लगता है कि शायद इस बंदे ने सोचा, मैं अपनी गाड़ी को इस रास्ते से बहुत ही आसानी से निकाल लूँगा। लेकिन यही हीरोपंती आज इसको यमराज के दर्शन करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ रोड पर बह रहे पानी ने इसके सारे हेकड़े निकाल दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जीप वाले की कोई भी गलती नहीं थी। बेचारा अपने जीप को पीछे लेकर कहीं पर जाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक वहाँ पर, अब आप ही सोचिए यहाँ पर जीप वाले की गलती थी या कॉमेंट जरूर करना। दोस्तों, अब इस आग बुझाने वाली वाहन को देखिए, जो अपने काम से जा रहा था कि तभी वहाँ पर इसके सामने ट्रेन आ गई और जो भी बंदा इसको चला रहा था उसके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, वो कंट्रोल से बाहर हो गया और इसके चलते वो सामने से आ रही ट्रेन को ही ठोक दिया। दोस्तों, अगर आप ये सोचते होंगे कि रोड के बाजू गाड़ी खड़े करने के बाद आप अपने काम से कहीं चले जाते हो और सोचते होंगे कि अपनी गाड़ी वहां पर सुरक्षित है, लेकिन अब इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद आपको यकीन हो ही गया होगा कि रोड के बाजू गाड़ियां कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। रोड के बाजू खड़े हुए इस गाड़ी को देखिए, बेचारा अपने गाड़ी को मोड़ कर जाने की कोशिश ही कर रहा था कि जैसे ही मोड़ने की बारी तो इसकी टाइमिंग गलत हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब कमेंट करके बताना कि इस गाड़ी के अंदर माँ का मगरमच्छ था या फिर पापा की परी। रोड के बाजू लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में एक बहुत ही अजीब घटना रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर बस और कार के बीच एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि बस कार के एक्सीडेंट के बीच में सीधा बस काई के अंदर ही गिर गया। यहाँ पर बस से ज्यादा मजबूत तो कार निकला। दोस्तों, वीडियो शुरू होते ही आपने इस जीप को देखा ही था जो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज इस बंदे का इतना खराब लगता, इतना खराब नसीब था कि जीप ऊपर चढ़ ही नहीं पाया, सीधा गुलोटियां खाते हुए नीचे गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता ही चला गया। जब भी आप अपने कार को लेकर हाईवे पर जा रहे हो तो वहाँ पर हद से ज़्यादा सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका हाल भी बिल्कुल इस बंदे के जैसे ही हो जाएगा। ये बंदा अपने कार को लेकर हाईवे से जा रहा था कि इसने वहाँ पर एक बेवकूफ़ी से भरी हुई हरकत कर डाली। इसके चलते इसके पीछे आ रहा ट्रक वाला कन्फ्यूज़ हो गया और कन्फ्यूज़ होने के बाद सीधा कार को ही ठोक दिया। इन साहब से मिलिए, लगता है कि इन्होंने अपने आंखों को गर्लफ्रेंड के माँ को बर्थडे पर शायद गिफ्ट दे दिया, तभी तो सामने खड़ी हुई कार इसको दिखाई नहीं दिया और सीधा जाकर उसी कार को ही ठोक दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही टोटल धमाल इडियट्स ऑन रोड सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।